हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोगों का थोड़ा सीन ऐसे है कि हम लोग जा रहे हैं आज कैनबरा सेंटर। कैनबरा सेंटर वहाँ पे ऐसे सीन है कि जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी यानी मेन आउटलेट होती है, तो वहाँ पे थोड़ा कुछ ज़्यादा वैरायटी और ज़्यादा सब कुछ ऐसे होता है और रेट्स का भी डिफरेंस होता है, और इस वजह से ज़रा वहाँ पे जाने का ज़रा बंदे को फ़ायदा हो जाता है। तो आज थोड़ा कैनबरा सेंटर जाना है, उधर से कुछ चीज़ें लेनी है, उसके बाद आज ऊबर का प्लान है, ऊबर करेंगे क्योंकि 2-3 दिन से तो सही तरह से मैं कर नहीं रहा। तो आज मैंने सोचा कि ऊबर कर ही लेनी है दोबारा, मतलब करता हूँ, रेगुलर में भी करता हूँ बट अंदर अंदर स्किप करता हूँ क्योंकि जिस दिन कोई काम हो या कुछ ऐसे। ऊबर का एक फ़ायदा ये है कि बंदा जब दिल करे चले जाए, जब दिल करे ना जाए, और नुकसान ये है कि बंदा सुस्त हो जाता है। एक दिन ही जाता तो दूसरे दिन फिर बंदा कहता है चलो ठहर के चलते हैं, थोड़ा ठहर के चलते हैं, तो वो थोड़ा सा बंदे को नुकसान देता है क्योंकि वो फिर सुस्ती आ जाती है, बंदा काम नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो गुजारा कैसे होगा, और गुजारा नहीं होगा तो फिर रोएंगे बैठ के। इससे अच्छा थोड़ी सी मेहनत कर लें। तो अभी जाएंगे कैनबरा सेंटर, वहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं कैसा माहौल है कैसा नहीं है। जी तो फिर हम लोग पहुँच गए कैनबरा सेंटर। हम लोगों ने चूँकि फूड कोर्ट से एंट्री ली थी, मतलब डिफरेंट एंट्रीज होती हैं, हम लोग फूड कोर्ट वाली साइड से एंटर हुए थे, तो एंटर होते ही सब फूड स्टॉल्स और सब ब्रांड्स और ये वो सब, यानी खाने पीने का सब कुछ ज़्यादा सामने आ रहा था, इसी तरह से एंटर होते ही वीडियो बनाई थी, जब तो सब खाने पीने का था। लेकिन हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग करनी थी तो हम लोग ब्रांड्स की तरफ चले गए। ब्रांड्स यहाँ पर सभी हैं, आप लोग जितने भी, यानी मुझे जितने पता है, अभी तो और भी होंगे बहुत सारों का मुझे नहीं भी पता होगा, लेकिन जितने मैंने नाम सुने हुए थे या जिनकी शौकियाँ मारते थे पाकिस्तान में, वो तो सब यहाँ पे ओरिजिनल और जेन्युइन, जिनका पता है कि बिल्कुल जेन्युइन है, तो वो सब यहाँ पे थे। अभी जैसे अभी कुछ वीडियोस बनाते बनाते बस जौन सा ब्रांड, अभी आप ही के साथ गया था तो मैं कुछ अपनी अलहदा से वीडियोस बना नहीं सकता था कि मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर सकूँ या सारे ब्रांड्स की ऐसे वीडियोज़ ला सकूँ, बस जौन जौन से आए वीडियो में वही, क्योंकि मैं छोटे छोटे क्लिप्स ले रहा था। तो उसके बाद फिर बस जाते रहे और उनके पीछे पीछे, क्योंकि जब आपकी सिस्टर आपके साथ होती हैं या कोई भी फैमिली मेम्बर साथ होता है तो आप लोगों को उनका ख्याल करना पड़ता है, इसलिए बस उनके साथ साथ जाता रहा। और ब्रांड्स एक अगर लेना हो या ना लेना हो, लेकिन जाना तो लाजमी होता है ना, आप लोगों को पता है, फिर एक फिर तो दिल कर ही आता है। अगर ना भी लेना हो तो बंदा उनको इशारा कर दे या ले कर चले जाए तो बंदा कहता है कि जी अच्छा चलो ठीक है ले ही लेते हैं। तो बस फिर एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे, तो फिरते फिरते दो शर्ट्स मैंने ले भी ली थी। अभी ये घोड़ा देख के तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग पोलो पे थे, और उससे पहले जैसे कुछ काफ़ी ब्रांड्स थे जिनके तो मैं नाम सुन के बंदा वहाँ पे कहता कि यार पता नहीं क्या चीज़ है ये, बट यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अंडर आर्मर है या कुछ भी है, जैसे इनको अभी बंदा कम ही, और पोलो की वहाँ पे शर्टें जलील हो रही होती हैं, यहाँ पर बहुत एक हाई क्लास का ब्रांड माना जाता है। खैर मैंने भी शर्ट उठा ली थी एक सीके से और एक पोलो से, उसके बाद हमने जूस लिए और फ्रेश जूस, इधर के टेस्ट ही अलग हैं भाई क्या करें। उतनी देर में हमने कार वॉश के लिए दी हुई थी, नीचे पार्किंग में पार्क करते हैं तो कार वॉश के लिए वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, हम लोगों ने दे दिया, तो वो नोटिफिकेशन आ गया था कि आपकी कार रेडी है। तो वैसे भी टाइम ओवर हो रहा था, हम लोग बस थोड़े टाइम के लिए आए थे, इसलिए हम लोग फटाफट से वापस पहुँचे, हमारा काम भी हो गया था, कार भी वॉश हो गई थी, तो हमने कहा निकलते हैं। वो सामने खड़ी हुई ब्लैक कलर की, मतलब दो लोग ऐसे लशपश करके खड़ी हुई, काफ़ी ऑप्शंस थे हमारे पास यहाँ पे, लेकिन ये कि क्योंकि टाइम की बचत की वजह से हमने वो सबसे ऊपर प्लैटिनियम वाला लिया था, जिसमें मतलब दोनों साइड थी, मतलब दोनों साइड का मतलब अंदर से भी वो करते थे बाहर से भी। और बस यहाँ पर फिर हमने पेमेंट की और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं, बस पेमेंट की और बस रवाना हो गए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।